नमस्कार, बहुत स्वागत आपका पांच के आठ में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कोरबा से आ रही है, आमरण अनशन में दो भू विस्थापितों की तबियत बिगड़ गई है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया दोनों को। एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन लगातार चल रहा है। मुआवजे और नौकरी की मांग है और उसके बाद से जो प्रदर्शन चला उसके बाद अब तबियत बिगड़ने को लेकर सूचना। भू विस्थापितों का हंगामा लगातार चल रहा है और इस बीच ये जानकारी कि दो भू विस्थापित जिनकी हालत प्रदर्शन के चलते खराब हो गई, तो तबियत बिगड़ने की जानकारी मिल रही है। अब्दुल असलम संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, क्या जानकारी आपके पास, क्या अब तबियत में सुधार है? जी, आपको बता दूं कि ये विस्थापित जो है एनटीपीसी के प्रभावित है, जो चारपारा कोहड़िया में इनकी जमीन गई हुई थी और लंबे समय से ये आंदोलन कर रहे हैं और पिछले 9 महीने से ये आंदोलन कर रहे हैं, नौकरी और मुआवजा की मांग कर रहे हैं। और अमरण अनशन पर 30 तारीख से बैठे हुए थे और उनकी तबियत अचानक बिगड़ने से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से कुछ लोगों को जो है उपचार के बाद छोड़ दिया गया है। लेकिन एक जन की जो तबियत जो है वो उपचार जो है वो चल रहा है और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची थी धरना स्थल पर, जिसमें तहसीलदार मौजूद थे और उनके द्वारा उनके समझाई देने का प्रयास किया जा रहा था। तो उस दौरान भी जो भूस्थापित है वो आक्रोशित होकर हंगामा भी करने लगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल जानकारी के लिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, लेकिन इस यात्रा से उन्हें फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है। बेशक राहुल गांधी की यात्रा से जोड़ने के लिए जरूर निकाली हो इसी मकसद के साथ, लेकिन इस यात्रा के दौरान गठबंधन साथी कांग्रेस से टूटने लगे हैं। पहले ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए तो अब अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। गठबंधन टूट रहा है, राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं, साथी अलग हो रहे हैं, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और उस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं जिससे विपक्ष का दूर दूर तक वास्ता नहीं। देश को जोड़ना है, सबको एक साथ लाना है और पूरे देश में ये जो नफरत का बाजार इन लोगों ने खोल रखा है इसको बंद करना है और मोहब्बत की लाखों दुकानें खोल ली है। राहुल गांधी सबको एक साथ लाने का वादा कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस यात्रा से अपने ही दूर हो चुके हैं। ममता बनर्जी इसलिए खफा हैं क्योंकि उन्हें भारत जोड़ो न्याय यात्रा का न्योता नहीं मिला, और अखिलेश यादव इसलिए नाराज हैं क्योंकि राहुल गांधी ने उन्हें यात्रा में शामिल होने के लिए बुलावा तक नहीं भेजा, और यही वजह है कि अब विपक्ष के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी के साथ कांग्रेस से दूरी बना चुके हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। जरा कोनो दिन चाय दुकान में बसे ही नहीं, चा बनाते जाने ही ना, বাচ্চাদের আদর করেই নি, শিশু বলতে কি বোঝেই না, বিড়ি বাদ্যে জানেই না কোনোদিনও, বিড়ির বদলে অন্য কিছু হয়তো খায়, খেতেই পারে, আমাদের গ্রামীণ লোকেরা অনেকে বিড়ি খায়। রাহুল ভালে হি ভারত জোড়নে নিকলে হো, লেকিন উনকি ইস যাত্রা কে বীচ হি গঠবন্ধন টুটনে লাগা হে, তো দূসরি তরফ রাহুল কে উস অবতার পর ভি নিশানা সাধা জা রাহা হে, জিসমে ও ঝাড়খণ্ড কে দেবঘর মে পূজা করনে পৌঁছে থে। इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, राहुल गांधी न घर के हैं और न घाट के। ऐसा है ना, ये घर के हैं ना घाट के हैं। अब पहले आप इन्होंने जो है वो अपने आप को सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा दिखाने की कोशिश की, रूम में टोपी, रोड पे तिलक का जो है वो तांडव किया, माहौल बनाया, नाटक किया, और अब जो है वो सामंती सूरमा बनने, अब जो है वो सनातनी सूरमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में उन्हें समझ लेना चाहिए कि वो सोचते हैं कि हम इससे जो है वो बीजेपी की कार्बन कॉपी बन जाएंगे, तो वो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे।
हैरानी की बात तो ये है कि जब राहुल गांधी देवघर में पूजा पाठ कर रहे थे उसी समय मोदी मोदी के नारे लगने लगे, जिस पर राहुल गांधी झेप गए और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। यानी राहुल गांधी की इस यात्रा के अब अलग अलग रंग दिखने लगे हैं, क्योंकि एक तरफ गठबंधन सहयोगी इस बात से नाराज हैं कि उन्हें यात्रा के लिए न्योता नहीं मिला, तो दूसरी तरफ जनता इस बात से कंफ्यूज है कि राम विरोधी राहुल गांधी मंदिर में क्या कर रहे हैं। और इसी आपाधापी के बीच अब भारत न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में एंटर होने वाली है, जहाँ अखिलेश यादव स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और पहाड़ों पर जिस बर्फबारी के लिए लोग तरस रहे थे, वहीं कुदरत ने सबकी मुराद पूरी कर दी है। वादियों के साथ साथ सड़कों पर भी बर्फ की चादर चढ़ी हुई है। तीन पहाड़ी राज्यों में अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी होने से दिक्कतें भी खड़ी होने लगती हैं। कौन सी दिक्कतें हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, हर तरफ सफेदी छाई हुई है। जम्मू कश्मीर हिमाचल की वादियां बर्फ से गुलजार हैं, वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों में भी अच्छी बर्फबारी हो रही है। इन 6 तस्वीरों में देखिए, ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ों पर हिमयुग लौट कर आ गया है। जहां तक नजर जाएगी बस बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद तो दूर दूर तक बस बर्फ ही बिछी हुई है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। श्रीनगर में भी अच्छी बर्फबारी हो रही है, सड़कों पर 2 इंच से ज्यादा बर्फ जमी हुई है। सैलानियों की तो बहार ही आ गई, वो जमकर मस्ती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये नज़ारा पहलगाम का नहीं, सोनमर्ग का नहीं, गुलमर्ग का नहीं, बल्कि श्रीनगर की सड़कों पर ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। लगभग 4 से 5 इंच की जो बर्फ है वो सड़कों पर जमा हो गई है। एक सफ़ेद मोटी चादर जो है बर्फ की वो बिछी हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, इसके लिए लोग दुआएं कर रहे थे। और जब से चिल्ले खुर्द की शुरुआत हुई है तब से ही मौसम बिल्कुल बदल गया है और उसी वक्त से जो है यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल रही है और आज भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। कश्मीर की ऊंची ऊंची वादियों में हर जगह बर्फ दिखाई दे रही है। इतने कठिन हालातों के बीच सेना के जवान एक गर्भवती महिला के लिए देवदूत बन गए। कुपवाड़ा में जवानों ने एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया, क्योंकि बर्फबारी से रास्ते बंद हो चुकी थी। देश के कोने कोने से सैलानी गुलमर्ग पहुंचे हुए हैं, वहीं विदेशी पर्यटक भी कश्मीर टूर पर आए हैं। स्कीइंग को लेकर रोमांच दिखाई दे रहा है। गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है और टूरिस्ट भी काफी खुश है और सभी लोग है जो मुंतजर थे आज तक बर्फबारी हो। और क्या कहेंगे आप इस हवाले से, टूरिज्म के हवाले से? गुलमर्ग जो है हमारी ये राउंड डेस्टिनेशन है और खासकर ये स्नोफॉल में विंटर में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ पे हम जो स्कीइंग कराते हैं विंटर में उसके लिए काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हम लोग कराते हैं और हर कोई थ्रू आउट जम्मू कश्मीर और पूरे देश में स्नोफॉल का इंतज़ार कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा जनवरी में स्नोफॉल डिले हुआ, वी हैड ए गुड स्नोफॉल जैसे कि आप देख रहे हैं। स्कीइंग भी आज हम लोगों ने शुरू किया, हमने इसकी पेट्रोल टीम भी डिप्लॉय की है हर जगह से एंड वी आर हैप्पी। रामबन की इस मनमोहक तस्वीरों को देखिए, बर्फ से दूर दूर तक सब ढक चुका है। पुलवामा में भी बर्फबारी को लोग तरस रहे थे, त्राल में भी हर तरह बर्फ ने डेरा जमाया हुआ है। बर्फबारी से जहां स्थानीय लोग खुशहाली की उम्मीद लगाए हुए हैं, तो वहीं खराब मौसम दिक्कतें भी पेश कर रहा है। लेह में बर्फ गिरने से हवाई और सड़क यातायात पर बड़ा असर पड़ा है। मीना मार्ग में 12 इंच बर्फबारी हो चुकी है।
हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की ऊंचाई वाले इलाकों में हर तरफ बर्फ ही नजर आ रही है। डलहौजी में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। शिमला में भी बर्फबारी से हर तरफ सफेद उजाला फैला हुआ है। काफी समय बाद लोगों की मन की मुराद पूरी हुई है। लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान -6 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं उत्तराखंड में भी मौसम की चाल पूरी तरह से बदल चुकी है। उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। चमोली के ग्रामीण इलाके भी बर्फ से ढके हुए हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। एक दर्जन से ज्यादा गांव पूरी तरह बर्फ से ढके हुए हैं। चकराता में सड़कों पर बर्फ ने घर बना लिया है। यहां स्नो ब्लोवर मशीन से सड़क की बर्फ हटाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला भवन के संग्रहालय में प्रदर्शनी लगी हुई है और इस प्रदर्शनी में भगवान राम और माता सीता का सिक्का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो मुगल साम्राज्य के वक्त का बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। कहा जाता है भगवान राम का कण कण में वास होता है। राम हर जगह है और राम सबके, और ये यूं ही नहीं कहा जाता। प्रभु श्री राम में केवल उनके भक्त ही आस्था नहीं रखते, बल्कि राम की महत्ता दूसरे पंथों तक भी है। अयोध्या में जहां रामलला विराजमान हो गए हैं, तो वहीं उनसे जुड़ी एक ऐतिहासिक बात काशी से सामने आई है। BHU के कला भवन के संग्रहालय में प्रदर्शनी लगी हुई है। इस प्रदर्शनी में भगवान राम और माता सीता का सिक्का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये सिक्का कोई आम सिक्का नहीं है, इतिहास को संजोए हुए है। कहा जा रहा है कि ये सिक्का अकबर ने जारी किया था, जिसमें फारसी में सियाराम उकेरा गया था। सिक्के पर 1556 से 1605 तिथि लिखी हुई है। इसके साथ ही सिक्के पर भगवान राम और सीता की आकृति बनी हुई है। भगवान राम को धनुर्धारी और सीता जी के दाएं हाथ पर कमल पुष्प भी दिख रहा है। भारत में मुगलों ने लंबे समय तक शासन किया और अकबर ही वो सम्राट रहा जिसने राम नाम से ही भारत में अपनी जगह बनाई थी। वो हिंदुओं का विश्वास जीतने में यकीन करता था और इसलिए उसने राम सिया के नाम से सिक्का जारी किया था। आप सभी जानते हैं कि जो अकबर था वो दीने इलाही धमका फौर था और वो हिंदुओं के बीच में, और उसको ये पता था कि भारत के बीच में अगर उसे अपनी जगह बनानी है तो उसको सर्वधर्म वाली पद्धति अपनानी पड़ेगी। तो इसलिए उसने ये कुछ ही सिक्के, आई थिंक 4 या 5 सिक्के जारी किए थे, जिसमें से एक सिक्का हमारे पास है जो चांदी में है, जिसमें पीछे एक पर्शियन इंस्क्रिप्शन है और आगे की तरफ उनका राम सिया को दिखाया गया है। ये सिक्का आज भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संग्रहालय में मौजूद है, जिसे इन दिनों प्रदर्शनी के जरिए काशी के जनता को दर्शन करवाया जा रहा है। ये सिक्का 500 साल पुराना है। मुगल राज में भगवान राम का कितना प्रभाव था, ये सिक्का उसकी तस्दीक करता है। साथ ही ये भी स्पष्ट कर रहा है कि मध्यकाल में राम के अस्तित्व को मुगलों ने भी स्वीकारा था। वाराणसी से रवि पांडे, न्यूज 18। और 5 के आज में वक्त एक छोटा सा ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे।